बच्चों आप 6th क्लास की जीके की बुक निकाल लीजिए, चैप्टर 14 पढ़ेंगे, पेज नंबर है आपका 16। ठीक है, आपको शायद आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में। ठीक है, आपको शायद ये नहीं पता है कि ह्यूमन बॉडी जितनी दिखती है, देखिए अगर देखा जाए तो पूरे जानवरों में हम सबसे कमज़ोर होते हैं। हमारे कोई तेज तरार नाखून नहीं होते, हमारे शरीर पे बाल नहीं होते जो हमें एक्सट्रीम हीट से या ठंडी से बचा सकें। ठीक है, और देखा जाए तो हम काफ़ी जानवरों के मुकाबले हम काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। लेकिन अगर हम देखिए, हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा दिमाग। दिमाग के भरोसे, दिमाग के उस पर ही हम आज जो भी पा चुके हैं वो सब हमने पाया है। ठीक है, और बॉडी भी हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, लगती ऐसा है कि जानवरों के मुकाबले हम इतने मजबूत नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी अगर हम इसको इसके एक्सट्रीम लेवल पर ले जाएं तो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जा भी सकती है। ओके, चलिए पढ़ते हैं इसमें इसकी क्या क्या खासियत है। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है। स्किन, आपको ऑर्गन्स पता ही होंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। आई, नो, ईयर, उनमें से एक क्या है, स्किन भी है। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आर बॉडी, देखिए हमारे इसमें ना काफ़ी सारे ग्लैंड्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है, लीवर। विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन आर बॉडी, सबसे बड़ी बोन कौन सी है, वो हमारी है थाई। थाई के अंदर थाई बोन होती है, वो होती है। ठीक है, वो होती है हमारी सबसे बड़ी बोन। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आर बॉडी, सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ क्या है, हार्डेस्ट क्या है, इनामल ऑन टीथ, टीथ के अंदर इनामल होता है, वो होता है सबसे हार्ड। हाउ मैनी एवरेज हेयर आर ऑन द ह्यूमन हेड, ह्यूमन हेड पे कितने एवरेज अगर हम निकालें तो कितने हेयर्स होते हैं ह्यूमन के हेड पर, 1,25,000। हाउ मैनी एवरेज हेयर आर ऑन द एंटायर ह्यूमन बॉडी, पूरी बॉडी पे कितने होते हैं, 5,000,000, यानी कि 50 लाख की समथिंग। ठीक है, वेयर आर स्मॉलेस्ट बोन इन आर बॉडी लोकेटेड, सबसे छोटी जो बोन है वो कहाँ होती है, वो कान के पास होती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मैलेस, ईयर्स के पास होती है। नंबर 8, व्हाट परसेंट ऑफ योर वेट इज मेड अप बाय योर बोन्स, देखिए बॉडी के वेट के कंपैरिजन में बोन्स का कितना वेट होता है ये पूछा है इसमें, तो ये होता है 14%। ठीक है, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन आर इन द ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, 206। बच्चों एक चीज़ और, लेकिन जो बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, उसकी 206 नहीं होती, उसकी इससे ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम पे वो कमज़ोर होती हैं, उसकी हड्डियाँ उतनी जुड़ नहीं पाती। ठीक है, अगर छोटे बच्चे की पूछेंगे तो 206 से ज़्यादा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो हड्डियाँ जुड़ती जाती हैं और फिर वो 206 हो जाती हैं, यानी कि जुड़ जुड़ के। हाउ मच डज योर हार्ट वेट, आपके एवरेजली अगर देखा जाए तो हार्ट का वेट कितना होता है, अबाउट 310, 310 ग्राम। ठीक है, हाउ मच डज योर ब्रेन वेट, और ब्रेन का कितना वेट होता है, 2 to 3% ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट का 2 से 3% वेट होता है ब्रेन का। हाउ मैनी साउंड्स कैन बी ह्यूमन डिस्टिंग्विश, यानी कि हमारा जो ईयर्स हैं वो कितनी आवाज़ों को पहचान सकते हैं, तकरीबन 5 लाख, 5 लाख आवाज़ों को हमारे ईयर्स पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए और नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाइए, मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में देखते हैं, इट कवर्स द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये किस चीज़ को, इसको डायग्नोज करने वाले को क्या बोलता है, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट, इट डायग्नोज एंड ट्रीट्स डिजीज ऑफ द स्किन, नेल्स एंड हेयर, देखिए ये सब क्या है, ये डॉक्टर्स हैं, इन डॉक्टर्स ये क्या है, ये स्पेशलिस्ट हैं इसके, लेकिन ये क्या किस क्या करते क्या है। अब देखिए, इट डायग्नोज एंड ट्रीट्स डिजीज ऑफ स्किन, नेल्स एंड हेयर, जो डॉक्टर स्किन की जो परेशानियाँ होती हैं, नेल्स की परेशानी होती है, हेयर्स की परेशानी होती है, उसको ठीक करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इट कंपेयर्स द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करने वाले कौन डॉक्टर्स क्या कहलाते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, इट डील्स विद डिजीज ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स,
अब ये जो डॉक्टर हैं ये क्या है, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या करते हैं, जो ब्रेन की जो कुछ बीमारियां होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियां होती हैं, पेरिफेरल नर्व्स की जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक करते हैं, और उनको क्या कहते हैं, उन डॉक्टर्स को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो डॉक्टर डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिस जो वो ट्रीट करते हैं उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं। नंबर 5, इट कवर्स द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज। ये क्या करते हैं, आई की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सही करते हैं। ये ऑप्थमोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ सर्जरी कंसर्न विद डिजीज ऑफ और डैमेज टू बोन्स एंड जॉइंट्स। जो देखिए बोन्स में कुछ दिक्कत होती है, सर्जरीज में वगैरह जो इन सब चीज़ से रिलेटेड होते हैं वो क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक्स। नेक्स्ट, इट इज़ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ द ईयर नोज एंड थ्रोट। जो ये ईयर नोज और थ्रोट के को ट्रीट करते हैं वो क्या होते हैं, ENT कहलाता है। इट डील्स विद द हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। जो 15 साल से छोटे बच्चों को की डिजीजेस को देखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पैडियाट्रिक। नंबर 9, इट डील्स विद द केयर ऑफ सिक न्यू बॉर्न इंक्लूडिंग प्री मेच्योर बेबीज। अब ऐसे ऐसी शाखा, साइंस की ऐसी शाखा जो न्यू बॉर्न बेबीज यानी जो हाल ही में पैदा हुए हैं या जो कि पैदा नहीं भी हुए हैं उनको उनको देखने के लिए क्या होता है, उनको न्यूनाटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, इट कवर्स द एग्जामिनेशन एंड लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ ब्लड, बॉडी फ्लूड फ्लूड एंड टिश्यू सैंपल्स अंडर द माइक्रोस्कोप टू डिटरमाइन व्हाट डिजीज इज प्रेजेंट एंड हाउ इट इज इफेक्टेड द बॉडी। अब देखिए हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, और ये सब चीज़ें जो हम टेस्ट वेस्ट करवाते हैं ये कहाँ पे होते हैं, पैथोलॉजी में होते हैं। इट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सरे इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इसमें क्या होता है, एक्सरे वगैरह डायग्नोस किया जाता है और देखा जाता है कि क्या दिक्कत है, तो ये क्या होता है, रेडियोलॉजी। नंबर 12, इट डील्स विद द डिजीज ऑफ ऑर्गन्स दैट पास यूरिन एंड ऑफ द मेल प्रोडक्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यूरिन वगैरह की जो दिक्कत होती है उन सब चीज़ों को देखने का क्या होता है, यूरोलॉजी का आना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर तक अब हम कर लेते हैं और इसे अच्छे से कर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।